चलो तुम्हारी तुम्हारी उम्र ज्यादा लंबी नहीं है बेटे। जहाँ जा आगे जा आगे जा कवर में। मैं मर मर इन बकरियों के बाद एयर बकरियों के बाद डेस्कटॉप में किसक ये हमारे कंट्रोल में नहीं है बोल ये हमारे कंट्रोल में नहीं है भाई। हेलो देखो सुनो जल्दी वो गाड़ी की तरफ भाग रहा लेजेंड एक्स जल्दी देखो गाड़ी की तरफ स्मोक होगा उसपे जल्दी देखो मार दो गाड़ी फोड़ दो जल्दी बैठ के गाड़ी में चारो बंदे प्लीज मारो यार इसको गाड़ी गाड़ी में बैठा ये जल्दी देखो भाई देखो यार प्लीज यार मारो भाई जल्दी मारो गाड़ी भाई भाग गया भाई रुक गई इसकी गाड़ी चलो जा रहा वापिस जा रहा ये भाई प्लीज मार दो यार एक ही बंदा है गाड़ी में बैठो पुश कर दो इस पे रुक गया चलो अब तीनों आओ एक साथ पुश कर तीनों आओ गाड़ी में है ना पैदल चल के बताना बोल रहा हूँ एक एक करके मार भाई बहुत सही बहुत सही अब ये जो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें गेम एक्स प्रो की भाई हरामीपंती दिखाई है ना मतलब भाई नेक्स्ट लेवल थी मतलब भाई इसने सब ओल पे बंदों को बता दिया कि भाई ये अकेला बचा है और इस बंदे पे पुश कर दो और सारे एक साथ आना भैया वो बंदे भी एक साथ आए तो उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से भर दिया। तो फिलहाल उस मैच में तो हम मर गए थे क्योंकि भाई वैसे भी मैं बच नहीं पाता और चिकन डिनर तो ले ही ना पाता। तो अभी फिलहाल हमने एक मैच यहाँ पे स्टार्ट करा था भाई जी गुरु जी के साथ और भाई जी गुरु जी के साथ ये वाला मैच भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा गया हमारे काम से मतलब रखते दादा ना ना तुमसे ज्यादा कोई और घुसता नहीं किसी स्टेट में तुम्हें शुरुआत करनी हमारी फिलहाल अभी मुझे एक कैम और एक डबल बैरल मिली हुई थी और मेरे ऊपर वाली छत पे बंदा था तो मैं इस पे पुश कर देता हूं आराम से पड़ा फिनिश करो और इस बंदे को नॉक करते ही करते भाई मैं इसे साथ साथ फिनिश कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता भाई इसके टीममेट कहाँ हैं और कब आके वो मेरा भसरा सा थार दे तो सबसे पहले फिनिश कर दो वरना बंदे चिल्लाते रहे कि भाई रिवाइव के लिए आ जा तो बंदे उनके पुश भी कर दे तुम्हारे ऊपर इसी चक्कर में चाहिए तेरे को अब यहाँ पे पोचंकी में भाई बहुत कम बंदे उतरे थे जिसमें से कि एक बोट था एक रियल बंदा था जो कि मैंने मार दिया उस रियल बंदे की टीम जो है भाई स्कूबी और फारूफ ने पेल दी। अब यहाँ पे भाई मतलब कोई भी नहीं बचा था अब यहाँ पे बारी थी भाई गाड़ी ठाके निकलने की और स्कूबी देखो भाई तभी क्या कहता है अच्छा सुनो मेरे को जाना पड़ेगा मेरी लूट ले लो बहुत दिन बाद तुमने ऐसा बोला क्या हो गया ना अरे पत्ते खेलने जाने का अरे मार मत पत्ते खेलने जाने का मैं लूट ले सारे पत्ते खेलना बुरी चीज होती है अरे कुछ भी नहीं मजा आता है मतलब भाई यहाँ पे पबजी का इतना सही गेम चल रहा था पोचंकी सब क्लियर कर दिया और लूट लाट भी भाई सब पे होगी बट भैया से पत्ते खेलने जाना वो तो भाई पत्ते खेलने चला गया अपन फंस गए यहाँ पे डुओ स्क्वाड में वेयर और यहाँ पे जो है भाई मेले से ये बंदा उड़ के आया था मुझे अभी तक नहीं पता था कि यार ये बंदे मेले से उड़ के आ रहे हैं मैंने सोचा भाई इधर गटर गुटर में कैंप कर रहा होगा कहीं निकल गया अभी फिलहाल तो मैं ओपन में ही भाई लूटने वगैरह चला जाता हूँ इसे
बट इतने में जब हम इसे लूट रहे थे ना भाई, इसका एक और बंदा आता है हवा से उड़ के, मतलब शक्तिमान ही हो रहे भैया ये पूरे। और मैं आप इस बंदे को सोचता हूँ कि भाई अभी भी ये बोट है, मतलब मेरा आगे स्पॉन हुआ, बट फारूक मुझे बता दे कि भाई बोट नहीं है, मेले से उड़ के आ रही है। घर में, घर में चर्च पे भी एक देख के, और भाई मुझे नहीं पता भाई कहाँ कहाँ आके गिर रहे भाई, डायरेक्ट कोई छत पे आके गिर रहा, कोई ओपन में आके गिर रहा, तो बहुत ज्यादा गलत सीन है भाई मेले वाले का। वो अब वो ज्यादा दूर तक फेंकने लगा साइस से। मेरे को देख, मेरे को देख, बट कोई दिक्कत नहीं भाई, जितने भी बंदे आए थे उड़ उड़ के, इन्हें भाई सबको मार दिया हमने, और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। और चलो अभी यार इन्हें लूटते हैं और फिर अपनी गाड़ी उठाएंगे और फिर चलेंगे अपना जॉर्ज पुल बंदे चेक करने, क्योंकि भाई वहीं मिलेंगे तुम्हें सही बंदे। ओ भाई हम लोग वहीं रुके थे, थोड़ा जल्दी और पिक कर देते तो आराम आराम सत्ते रहते। मेरे को लिख के क्यों नहीं आया योर टीममेट लेजेंड स्किल हिम? अबे तब भी नोटिस तो आता है ना सर, क्योंकि सामने गाड़ी नहीं, क्योंकि भैया हमारी अभी बिल्कुल भी औकात नहीं है कि मैं 70,000 रुपये खर्चा करके टाइकून लेवल लूँ। अब मैं फार जॉर्ज पुल तो आ जाते हैं, बट भाई स्टार्टिंग वाले क्रेट्स पे हमें मतलब भाई कोई भी नहीं दिखता, तो मैं तो भाई हमेशा जॉर्ज पुल का जो है पूरा राउंड मारता हूँ। और इसी पूरे राउंड के चक्कर में भाई हमें बंदे दिखते हैं कुछ टावर पे चढ़े हुए और भाई कुछ टावर के नीचे घूमते हुए। रुक के तो वहीं पे खेलता था मैं। फिलहाल ही एक बंदा भाई पुश कर रहा था मेरे ऊपर ओपन से, तो मैं इसे सबसे पहले फिनिश कर देता हूँ। और अब हम यार यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से फंस चुके थे। टावर पे क्योंकि आधे बंदे जो है भाई इनके वेयर हाउस के कोने की तरफ है, दो बंदे ऊपर चढ़े हुए हैं जिन्हें भाई मारना मतलब यार बहुत ज्यादा मुश्किल है, मोली माली से मरने के नहीं। और अगर हम ऊपर चढ़ेंगे तो भाई चारों तरफ से पड़ेगी। कूद गया नीचे, बट लिटरली बताऊँ ना अभी भी यार हम ट्राई कर रहे थे किसी तरीके से इन्हें मार पाए, बट इतने में तुम्हारा भाई एक रोटेट करता है और वेयर हाउस वाला नॉक कर देता है। अरे कहाँ है? दादा के मच्छर, दादा के मच्छर। ठीक, अब दो ही बच रहे हैं ना। अब बस सिर्फ दो ही बंदे बचे थे जो कि ऊपर थे, और भाई इन बंदों को मारने में मतलब भाई फट के चार हो गई। मेरी गन भाई बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाती है एकेएम, तो मैं एकदम झटके से नीचे आ जाता हूँ, बट वो बंदा फारूक को नॉक कर देता है। फारूक ने भी वहाँ पे एक बंदा नॉक कर दिया जिसने भाई मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था, तो अब वेट करते हैं भाई उस बंदे के आने का। मैं फारूक को कहता हूँ भाई फारूक तो पीछे आ जा, और जैसे ही ये बंदा आएगा भैया भर देंगे। मैं नीचे चला, यहाँ पर इस जगह पर मेरे जस्ट ऊपर। और वैसे ही मैंने किया भी, तो तुम मुझे बताना भाई तुम्हें यहाँ पे ये आला मतलब सीन कैसा लगा। वैसे ये बंदे बहुत ही ज़्यादा तगड़े वाले कैंपर थे, और अगर अभी तक तो तुमने इस वाली वीडियो पे लाइक नहीं करा तो मेक श्योर के लाइक कर दो, और नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अभी फिलहाल पता क्या होता है यहाँ पे भाई, ये देखा होगा तुमने शूटिंग रेंज का ही हो शेल्टर, यहाँ पे एक ही गेट हो और शेल्टर में जाने की एक ही जगह हो, छोटा शेल्टर है। तो यहाँ पे सामने में एक बंदा नॉक कर देता हूँ अभी।
पीछे जा पीछे जा पीछे। और दूसरे बंदे के सामने भाई मैं जैसे पीक करता हूँ ना, वो मेरे ओम का ऐसा हेडशॉट मारे भाई मुझे मेरी औकात याद दिला दे, तो मुझे समझ में आ जाए कि भैया ओम वालों के आगे तो कभी पीक करनी नहीं। और मेरे पास मेरा वो हेलमेट भी नहीं बचा था, तो सबसे पहले मैं फारूक से यहाँ पे रिवाइव लेता हूँ, और रिवाइव लेने के बाद भाई मैं भागता हूँ शूटिंग रेंज के पीछे वाली जगह पे हेलमेट लेने के लिए। ना वो खत्म हो गई, वो खत्म हो गई। फिनिश हुआ एक। रुक जा अभी गाड़ी मत हटाना, हेल्थ लगा रो। अबे इसको भी ये कर देता है, गाड़ी हटा देता है। अब मैं तो भाई इधर की तरफ आ जाता हूँ और मैं फारूक को कहता हूँ, मैंने कहा अभी रुक अभी चल रहे आगे, मैं पहले एक बारी हेलमेट ले आऊँ और भाई क्लोज रेंज में मारेंगे, क्योंकि लॉन्ग रेंज में भैया उसके पास है ओम और वो भसरा सा तार देगा। एक तो हेलमेट उन्होंने ख़राब कर दिया, एक और मिला लेवल टू का, यो भी ना ख़राब कर दे। सफ़ेद वाला कपड़ा ओम लिए ना। जितना M2 है नॉक हुआ तो रेव भूल ही जाओ। अब मैं जो है भाई हेलमेट लेके इन बंदों के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाता हूँ, पैदल पैदल ही, बिल्कुल भी नहीं डरता। बट भाई वो बंदे जो हैं पीछे वाले घर में चले गए थे और यहाँ से अभी भी दो बंदों के फुटप्रिंट आ रहे थे, तो मुझे पता लग जाता है कि भाई यहाँ पे उन दो बंदों ने उन दो बंदों को फंसा के चले गए। भाई उनके पास दो गाड़ी थी जिनमें से कि एक गाड़ी वो ले गए और एक गाड़ी भाई डासिया यहाँ पे पटका दी और ये बंदे फंसा दिए। तो भाई इन बंदों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा स्कैम हुआ। अंदर है क्या? मैं अंदर भाई भरपूर नेड़ वगैरह ट्राई करने की कोशिश करता हूँ बट भाई कुछ नहीं होता। इतने में फारूक कहता है कि भाई लेजेंड यहाँ से जा सकते हैं अंदर, और मैं भाई इसकी बातों में आ जाता हूँ और मैं भी फंस जाता हूँ यहाँ पे एक तरीके से। हम जा सकते हैं अंदर वैसे लेजेंड साइड से, जगह है बहुत जगह है भाई ये, लेकिन फंस जाएंगे। अथीना चला गया था, उछल उछल के। रहने दे रहने दे, वो साला आ गया ना, पीक दे दिया ना। तो अब मैं यहाँ पे फंस चुका था भाई, मेरे पे बिल्कुल भी निकला नुकला नहीं जा रहा था, और सामने मेरे एक बंदा भी था जिसे कि मैं नोक भी कर देता हूँ बट भाई फिनिश नहीं कर पाता क्योंकि मैं यहाँ पे फंस चुका था। ना तो मैं अंदर जा रहा था ना मैं बाहर निकल रहा था। नाइस। अब वो तो पता नहीं भाई मैं कैसे बाहर निकल जाता हूँ, बट अभी मेरे अंदर जाने की आग थी क्योंकि भाई जो बंदा मैंने नॉक करा था उसका मुझे किल चाहिए था। बट इतने में वो बंदा रिवाइव हो जाता है और फारूक एक नेड करता है भाई, फिर उस बंदे को नॉक कर दे। तो अंदर दो बंदे फंसे हुए थे भाई आपस में रिवाइव रिवाइव दे के, मतलब काम चला रहे थे, और हम यहाँ पे भाई टाइम पास करने की बजाय भाई अब चलते हैं भाई दूसरे बंदे मारेंगे जो उस वाले घर पे। ओ तीन है, एक एक गया तेरे मौली से, एक क्या दो गए। अब फिलहाल जैसे ही हम इस घर पे आते हैं भाई यहाँ पे फारूक नोक हो जाता है, और अब तुम्हारे भाई को यहाँ पे क्लच करना था। वे नॉक नहीं हुआ उसको, पता ही नहीं हम लोग यहाँ। एक कूदा 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 कूदा, मार मार मार, कवर में आ जा। एक इधर से आ रहा गाड़ी की तरफ से, कवर में जा कवर में जा। एक ही बच रहा बस, और जो कि कर भी दिया। होप सो तुम्हें बढ़िया लगा होगा, और बढ़िया लगा हो तो भैया सब्सक्राइब कर देना। अब फिलहाल यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा सही मैच चल रहा था और मतलब बहुत ज़्यादा मजे आ चुके थे, मतलब भैया 15 किल हो चुके थे और डुओ भी स्क्वाड हमने पूरा का पूरा भाई ये ख़त्म कर दिया था सब कुछ। अभी एक गाड़ी नहीं रुक ब्लॉक कर पाती ढंग से। बट हम इतने आते हैं भाई मेले में, और ये मेला भाई इतना ज़्यादा बुरा है ना, मतलब भाई अम्यूजमेंट पार्क पबजी मोबाइल का इतना ज़्यादा गलत डाल ला ना, बहुत ज़्यादा गलत है। बीच में ही है, यहीं रोक यहीं रोक यहीं रोक, स्नाइप करूँ।
अरे नीचे ही है वो, ऊपर नहीं है, एक ही दिखा मेरे को। कैंपर्स के लिए अभी सबसे बेस्ट जगह यही है, यहाँ पे गोली भी नहीं लगती और वे तुम्हारे दूर दूर से मारेंगे। तो मैं फारूक को कहता हूँ भाई तू ओम से नोक कर और फिर अपन पुश करेंगे। अरे रुक, एक और नॉक। दोनों ऊपर वाले दोनों नॉक कर रहे हैं, बाकी दो तरफ होंगे वो मालूम नहीं। एक बंदा नीचे, एक बंदा नीचे ईस्ट में सीधा चढ़ गया ऊपर गांडू। एक अभी भी नीचे, अबे मेरे को क्यों मार रहे हैं? अब यहाँ पे ये वाली पूरी की पूरी स्क्वाड भाई हम मार देते हैं। एक बंदा नेड में गया, एक बंदा मैंने एक कैम में मार दिया, दो फारूक ने पहले ही नॉक कर दिए थे AWM से, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब फिलहाल हमारे भाई पेट्रोल पंप पर बंदे आते हैं, वो होते हैं भाई मीटअप वाले। अब उन बंदों से हम मीटअप करते हैं और सही है भाई उन्होंने हमें मारा नहीं क्योंकि हम जोन के बाहर फंस चुके थे, गाड़ी भी हमारी बाहर थी, ये बंदे हमें मार सकते थे। बट इन बंदों से तो हम बच जाते हैं, बट जो भाई कुछ इंटरनेशनल लेवल के कैंपर्स हैं ना उनसे नहीं बच पाते भाई। बस दिखा 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 दिखा। हेलो 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 भाई, इन बंदों को कहता हूँ मैं, मैंने कहा भाई तुम यहीं पर रुको, अपन सामने वाले बंदे क्लियर करके आए। बट ये बंदे भाई हमें नहीं पता था कि अपन ही खुद ही क्लियर हो जाएंगे अभी सांपों के हाथ। तो मतलब भाई बिल्कुल ओपन जगह, बिल्कुल मतलब कहीं दूर दूर तक कवर नहीं थी वहाँ। और एक बंदा भाई इधर सांप बना पड़ा राइट में, एक लेफ्ट में, और भाई तीन चार सांप और पड़े थे वहाँ। बहुत ही बारीकी से बचा था, ये लेटा हुआ है। ओ, ओ, भाई पूरे लेटे हुए। और देखते ही देखते भाई हमें पता भी नहीं लगा कि भाई अपनी करेट कब बन गई। तो होप सो गाइस तुम्हें आज के लिए गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, तुम्हें यहीं पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय एंड पीस आउट।